नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, मैं आज एक ऐसे ग्रुप के ऊपर बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके रिटर्न उसके हर स्टॉक में ज़बरदस्त है। उस ग्रुप के जितने भी स्टॉक हैं सबका ज़बरदस्त रिटर्न है। देखिए, पहला है आरती इंडस्ट्रीज़, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने इतनी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कि आप देखकर ही मतलब दंग रह जाएंगे। और ऐसे रिटर्न मतलब इस ग्रुप में नॉर्मल है ये, ठीक है। तो आपको ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए कि जिस कंपनी के ग्रुप ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, तो आगे चल के और दूसरा उसका ग्रुप किस प्रकार से रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त मतलब बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप लोग देखे रहेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, ये उसी ग्रुप की अगर ये कंपनी इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है तो हमें भी मिले उतना ज़बरदस्त रिटर्न उस ग्रुप की कंपनी में डाल के। यहाँ पे देखिए, लगभग 10 साल में, केवल मात्र 10 साल में लगभग आपका पैसा 50 गुना कर दिया है, ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न है इस कंपनी का। और 5 साल में देखिए, लगभग 4.5 गुना। और यहाँ पे 4 साल में देखिए, लगभग 2.5 गुना। 3 साल में 2 गुना से ज़्यादा, 2 साल में, ये देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न है, आप देखते रहिए। और अगर मैं बात करूँ देखिए दूसरे कंपनी की, तो आरती ड्रग्स, ये भी उसी ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। इसका भी जो रिटर्न है पूरा छप्पड़ फाड़ है, बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। तो हमें ऐसी कंपनियां ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी कंपनियां कब हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और हमें रिटर्न कितना दे सकती हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये भी सेम वही सिचुएशन है 10 साल में, ठीक है। उसका क्या था, उसका 50 गुना था, ठीक है, और इसका कितना है, 40 गुना है। तो आप समझिए कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न दे पा रही हैं ये कंपनियां इस ग्रुप की। तो आपको अगर इस कंपनियों पे अगर विश्वास है तो आपको आरती सर्फ पे क्यों नहीं विश्वास है, ठीक है। ये भी तो उसी ग्रुप की कंपनी है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी ये डी लिस्टिंग हुआ, मतलब डी मर्जर हुआ था आरती ड्रग्स आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो अभी भी देखिए ये कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 95% का रिटर्न। और अगर हम बात कर लें 3 मंथ की, तो यहाँ पे देखिए 5% का रिटर्न, 1 मंथ में 10% का रिटर्न, मतलब आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप ये बताइए, अगर इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है कंपनियाँ, तो आप इस ग्रुप में नहीं लगाना चाहेंगे पैसा लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से? ज़रूर लगाना चाहेंगे। तो अभी देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, वो अभी उतना ज़्यादा कोई कुछ खास नहीं है। और आगे अभी आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसी कंपनियों में हमेशा जो FIs हैं, म्यूचुअल फंड है, वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। तो आपको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे जैसे वो हिस्सेदारी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए, इसीलिए लगभग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप यहाँ पे ध्यान दो,
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग जो है 49% है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मल्टी बैगर ये बनने वाला है, इसीलिए यहाँ पे इनका हो जो होल्डिंग है 49% का है होल्डिंग। तो चलिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो हमारे रिटेल निवेशक हैं उनको ये पता है कि आरती सर्फ जबरदस्त मल्टी बैगर बनेगा, क्योंकि उसके ग्रुप की कंपनियाँ इतनी मल्टी बैगर हैं, तो ये भी बनेगा मल्टी बैगर। ठीक है, तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और चलिए, मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इस स्टॉक में तेज़ी की संभावना लग रही है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार इस स्टॉक में तेज़ी की संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये कई बार इस जगह पे एक बॉक्स बना के ट्रेडिंग किया। अब ये बॉक्स से बाहर निकल गया है, लेकिन फिर भी इसको कुछ दिक्कत की सामने करनी पड़ रही है। क्योंकि क्योंकि ये जो यहाँ पे है ना, ये आप देखिए, यहाँ पे ये पहले इस जोन में पहुँचा था, तो सेम जोन में अभी वही पहुँचा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ पे अगर मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊँ तो आपको और मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि इतनी ज़बरदस्त ट्रेंडिंग बनी है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं मंथली वाइज चार्ट लगाऊं तो ये देखें, यहाँ पे देखिए लगभग 1209 रुपये का हाई बनाया है, और इस मंथ में आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि 3 मंथ में यहाँ पे डाउन देखने को मिला, लेकिन इस मंथ में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सेम वही सिचुएशन वीकली वाइज में भी यहाँ पे देखें, तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप अगर इस पे नज़र, अपनी कड़ी नज़र बना के रखेंगे, ठीक है, तो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक में थोड़ी सी भी तेज़ी होती है तो यहाँ पे अपर सर्किट लग जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अपर सर्किट, ठीक है, यहाँ पे देखिए अपर सर्किट, अपर सर्किट, यहाँ भी अपर सर्किट लगा था, फिर लोअर सर्किट चालू हो गया। तो ये इस स्टॉक में यही प्रॉब्लम होती है कि ये अपर सर्किट लगने लगता है। ठीक है, तो आपको इस पे नज़र बना के रखनी चाहिए, और आप नज़र बना के रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड।